उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को सजा दिलाने वाले रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी मेल के जरिए दी गई है। 3 महीने में आकाश सक्सेना को ये तीसरी बार मेल भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है। मेल भेजने वाले ने हिंदू संगठनों को आतंकवादी संगठन बताया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बता दें कि रामपुर शहर सीट से आकाश सक्सेना भाजपा के विधायक हैं। उनको वाई प्लस सुरक्षा मिली है। उनके वैयक्तिक सहायक ने सिविल लाइंस पुलिस थाने में शिकायत पत्र देकर कहा कि शहर विधायक की ईमेल आईडी पर 3 माह में 3 बार जान से मारने की धमकी देने का मेल आया है। साथ ही मेल में देख लेने ऊपर पहुंचाने की धमकी दी गई। साथ ही हिंदू संगठनों को आतंकवादी संगठन बताया है। शिकायत पत्र में कहा है कि अक्टूबर में एक संदिग्ध युवक कार्यालय के आसपास के क्षेत्र की वीडियोग्राफी करते हुए भी पाया गया था, जिसको कार्यालय के सहयोगियों ने पकड़कर सिविल लाइंस थाने भेजा था। इस दौरान विधायक की पत्नी और दोनों बेटियों की कार का नोएडा में पीछा करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में विधायक के वैयक्तिक सहायक प्रदीप कुमार मांझी के शिकायत पत्र पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आजम खान को सजा मिलने के बाद रामपुर विधायक आकाश सक्सेना को जान का खतरा सताने लगा था। खुफिया इनपुट और संवेदनशीलता के बाद केंद्र सरकार ने आकाश सक्सेना की 3 महीने पहले ही सुरक्षा बढ़ा दी है। अब उन्हें संपूर्ण भारतवर्ष के लिए वाई प्लस सुरक्षा दी गई है, जिसमें यूपी पुलिस के जवानों के साथ ही अब आकाश सक्सेना के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मुस्तैदी से तैनात हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिनमें सबसे अहम आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड बनवाने के मामले हैं। वहीं भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान की विधायकी जा चुकी है और आकाश सक्सेना अब रामपुर शहर विधानसभा सीट से विधायक है। इंटर 24 को 7 लाइव टीवी के लिए डेस्क रिपोर्ट।